हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स बेसिक टू एडवांस। इस वीडियो में हम बात करेंगे करेंसी पेयर्स के बारे में एंड टाइप ऑफ करेंसी पेयर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे करेंसी पेयर। अ करेंसी पेयर इज द कोटेशन ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज विद द वैल्यू ऑफ वन करेंसी बीइंग कोटेड अगेंस्ट द अदर। मुद्राओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए उन्हें जोड़े में रखा जाता है, मतलब पेयर्स में रखा जाता है। दो कोड एक मुद्रा जोड़ी बनाते हैं। सभी मुद्राओं को जोड़े में सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब पेयर में सूचीबद्ध किया जाता है, क्योंकि एक के वैल्यू को व्यक्त करने के लिए हमें दूसरे की आवश्यकता होती है। एग्जांपल लेते हैं, यूरो यूएसडी में हम डॉलर में यूरो के वैल्यू यानी मूल्य को मापेंगे। इसे एक डॉलर इक्वल टू वन यूरो की कीमत के रूप में भी समझा जा सकता है। करेंसी पेयर में पहली मुद्रा को बेस करेंसी यानी आधार मुद्रा एंड दूसरी मुद्रा जो होती है उसको कोट करेंसी कहते हैं। अगर हम यूएसडी जेपीवाई इस पेयर की बात करें तो यूएसडी बेस करेंसी है एंड जेपीवाई कोट करेंसी होगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर। तो करेंसी पेयर के तीन टाइप्स होते हैं। पहला है मेजर करेंसी पेयर्स, दूसरा है माइनर या क्रॉस करेंसी पेयर एंड थर्ड है एग्जॉटिक करेंसी पेयर। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर करेंसी पेयर। द करेंसी पेयर इन विच यूएसडी इज प्रेजेंट नोन एज मेजर करेंसी पेयर, मतलब जो भी करेंसी पेयर होगा जिसमें आप ट्रेड करने वाले हो अगर उसमें यूएसडी होगा तो उसे मेजर करेंसी पेयर बोलेंगे, क्योंकि यूएसडी का ग्लोबली ज़्यादा मार्केट वैल्यू भी है एंड ज़्यादा उसमें ट्रेड भी होता है। अगर कुछ करेंसी मेजर करेंसी पेयर्स की बात करें तो उसमें यूरो यूएसडी, मतलब यूरो यूएस डॉलर, यूएसडी जेपीवाई, यूएस डॉलर जैपनीज येन, यूएसडी जेपीवाई, यूएस डॉलर जैपनीज येन, यूएसडी सीएचएफ, यूएस डॉलर स्विस फ्रांस, यूएसडी सीएकैड सीएडी, यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर, एयूडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड यूएस डॉलर, एनजेडडी यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर, यूएस डॉलर। अब हम बात करेंगे माइनर और क्रॉस करेंसी पेयर्स। द करेंसी पेयर इन विच यूएसडी इज नॉट प्रेजेंट नोन एज मेजर करेंसी पेयर, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में जिस करेंसी में यूएसडी नहीं होगा उसको माइनर या क्रॉस करेंसी पेयर बोलेंगे। मतलब यूरो जीबीबी अभी ये करेंसी पेयर है, इसमें यूएसडी नहीं है तो ये क्रॉस या माइनर करेंसी पेयर होगी। फिर बात देखेंगे यूरो एयूडी, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जीबीबी जेपीवाई, ब्रिटिश पाउंड जापानीज येन, सीएचएफ जेपीवाई, स्विस फ्रांस जापानीज येन, एनजेडडी जेपीवाई, न्यूजीलैंड डॉलर जापानीज येन, जीबीपी सीएडी, ब्रिटिश पाउंड कैनेडियन डॉलर, ये सारे माइनर या क्रॉस करेंसी पेयर्स है। आगे देखेंगे हम एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स या इमर्जिंग करेंसी पेयर भी इनको बोला जाता है। एग्जॉटिक और इमर्जिंग करेंसी पेयर इज वन दैट हैव वन मेजर करेंसी एंड वन दैट रिप्रेजेंट अ डेवलपिंग कंट्री एंड इकोनॉमी, मतलब ये करेंसी उस करेंसी से बनती है, ये करेंसी पेयर उस करेंसी से बनती है उसमें एक मेजर करेंसी होगी एंड दूसरी डेवलपमेंट कंट्री की करेंसी होगी। अब यहाँ देखते हैं यूरो TRY, तो इसमें यूरो मेजर करेंसी है एंड TRY ये तुर्की की जो लीरा है ये डेवलपिंग कंट्री है, तो इसको हम एग्जॉटिक करेंसी या इमर्जिंग करेंसी पेयर बोलेंगे। दूसरी है USD HKD, US डॉलर हांगकॉन्ग डॉलर, ये भी इमर्जिंग करेंसी पेयर है। उसके बाद है USD THB, US डॉलर थाईबत, NZD SGD, न्यूजीलैंड डॉलर सिंगापुर डॉलर, GBP ZAR, ब्रिटिश पाउंड साउथ अफ्रीकन रैंड, AUD MXN, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेक्सिकन पेसो, मतलब इस ये जो भी करेंसी पेयर से इसमें एक मेजर करेंसी है, इसमें यूरो USD, इसमें USD है, तो ये मेजर करेंसी है एंड जो उसके साथ होगी वो डेवलपिंग कंट्री की करेंसी होगी, इसलिए इनको एग्जॉटिक और इमर्जिंग करेंसी पेयर बोला जाता है।